हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू मदर्स किचन कॉर्नर। मैं हूं श्वेता और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक बहुत ही फेमस रेसिपी जो कि है वेज चाउमीन इन रेस्टोरेंट स्टाइल, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, उनका फेवरेट होता है। तो आज मैं इसे बनाने जा रही हूं एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट के साथ, जिससे कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले वेज चाउमीन बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने वाटर को, पानी को बॉईल कर लिया है, इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये वाला वेज हक्का नूडल्स, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। बस दो टुकड़ों में कर लिया ये। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, और इसमें डालेंगे 1 से 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये नूडल्स आपस में चिपके नहीं, स्टिकी ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको करीब 5 से 7 मिनट बॉईल करेंगे, और ध्यान रहे कि ये ओवर कुक ना हो। बीच बीच में हम इसको ऐसे फॉर्क से लेके ऐसे चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, और ध्यान रहे कि ये ओवर कुक ना हो बिल्कुल भी, नहीं तो ये रेस्टोरेंट जैसा नहीं बन पाएगा। तो ये करीब 6-7 मिनट हो चुका है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं और एक बार। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है बिल्कुल। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे, पानी को अलग कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको किसी भी छलनी से छान लेंगे, ऐसे पानी को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको किसी भी प्लेट में फैला के रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो अब हम चलते हैं वेज चाउमीन के बनाने के फाइनल प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए हमने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। तो उसके लिए लिया है हमने कैप्सिकम बारीक, जिंजर जूलियन स्टाइल में कटा हुआ है सब कुछ, गाजर भी जिंजर जूलियन स्टाइल में काटा हुआ है, एक गाजर, एक कैप्सिकम, एक मीडियम साइज का प्याज, बीन्स थोड़ा सा आप चाहे तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाले तो कोई बात नहीं, 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन बारीक कटा हुआ, और करीब 2 से 3 ग्रीन चिली। और उसके बाद हमने लिया है ये बंद गोभी थोड़ा सा करीब, मतलब इतना आपको जितना डालना आप ले सकते हैं, और स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप तो जानते ही होंगे, तो ये लिया है हमने करीब थोड़ा सा। तो ये हमारा ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, विनेगर, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस, और जिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की हम बात कर रहे थे शुरुआत में, वो यही है सीजवान चटनी चिंग्स का, जिससे कि बहुत ही टेस्टी हो जाता है एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये ज़रूर डालें, इसको डालना बिल्कुल भी ना भूले, और ये यहाँ टोमेटो केचप। तो हमारा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो आप देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, करीब 2 टेबलस्पून डालेंगे हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे साथ में ही, और साथ में ही हम प्याज और ये बारीक कटा हुआ बीन्स डालेंगे। इसको हम करीब 2 मिनट सॉटे करेंगे, उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स को डालेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये 2 मिनट सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। याद रहे, ध्यान रहे कि हम इसमें सब्जियों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि एक वेज चाउमीन को एक सब्जियों का क्रंचीनेस मिले, और इसी वजह से हम नमक लास्ट में यूज़ करते हैं ताकि वेजीज का क्रंचीनेस बरकरार रहे। ध्यान रहे कि हमें वेजीज को ज़्यादा सॉटे नहीं करना है, बस 2-2 मिनट करना है, क्योंकि चाइनीज रेसिपी में कोई भी वेजेस ज़्यादा हम लोग नहीं पकाते हैं, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं। तो ये 2 मिनट सॉटे होने के बाद अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन को डालेंगे, हाफ डालेंगे, हाफ लास्ट में डालेंगे, बस इसको ऐसे ही मिलाएंगे। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे ये हक्का नूडल्स,
अब हम यहाँ पे साथ ही साथ सारे सॉस को डालेंगे। सबसे पहले ये ग्रीन चिली सॉस, करीब 3 से 4 टीस्पून, सोया सॉस 2 से 3 टीस्पून, टमाटो केचप 2 टीस्पून, इसे स्पाइसी और रेस्टोरेंट वाला स्वाद लाने के लिए हमारा ये चिंग्स सीक्रेट का सिचुवन चटनी। कम से कम ये 3 से 4 चम्मच हमें डालना है, 3 से 4 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर करीब 1 टीस्पून। और यहीं पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ध्यान रहेगी कि सॉस में भी सॉल्ट होता है तो इसलिए ध्यान से डालें। 1 टीस्पून विनेगर। और यहीं पे हम साथ ही साथ बंद गोभी कैबेज डाल देंगे। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा डाल। यहाँ पे हम बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो फॉर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो अजीनोमोटो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने वो चिंग्स चटनी डाला है इसलिए। तो हमारा वेज चाउमीन बनके बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। तो अब हम इसको चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस की तरफ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी हम वेजेस डालेंगे उसको ज़्यादा सॉटे या ओवर कुक ना करें, क्योंकि उससे उसकी क्रंचीनेस चली जाएगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग न्यू रेसिपीज़। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।